विभाग बढ़ते ही त्रिवेंद्र रावत सरकार के मंत्रियों ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए शुक्रवार को सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने भी ताबड़तोड़ फैसले लिए, जहां एक तरफ उन्होंने रानीखेत की सहकारी ड्रग फैक्ट्री और हल्दूचौड़ की सोयाबीन फैक्ट्री पर जांच का आदेश दिया, वहीं उत्तरकाशी में सहकारिता में हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां भी निरस्त कर दी। इसमें सबसे बड़ा फैसला सहकारी संघ में पूर्व कांग्रेस सरकार के नामित सदस्य भी हटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अब सहकारी समितियों को भी भंग करने के आदेश दिए गए हैं। यही नहीं, उच्च शिक्षा की दिशा में अब महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी सरकार 100 फीट ऊंचा तिरंगा अनिवार्य करने जा रही है। चाहे वो अपेक्स बॉडी में थे, चाहे वो प्रदेश में थे, चाहे वो जिलों में थे, उन सबको आज हमने तत्काल प्रभाव से उनको हटाने का निर्णय लिया है और लगभग 1000 तक लोग इस सारी समितियों में कहीं ना कहीं नामित थे और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी हम लोगों ने निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मैंने कहा कि भाई ये काम जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने उसका निर्णय लिया है। हमको स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाना है, प्रत्येक न्याय पंचायतों तक, प्रत्येक जो जो भी जहां सहकारिता के ऑफिस हैं, और एक दिन में सारे सहकारिता विभाग के सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को स्वच्छ भारत अभियान की शपथ दिलाने वाला हूं और एक हफ्ते में एक निर्णय हम लेने वाले हैं। आपके पास जो जिम्मेदारी दी गई है, आखिरकार आप उसका चिंतन नहीं करेंगे, आप उसको देखेंगे नहीं, तो आप उसके बारे में क्या फीडबैक दे पाएंगे अथवा उसको कैसे समझेंगे? तो ये किसी के अधिकारियों में दहशत फैलाना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि हर चीज़ व्यवस्थित और हर चीज़ सही ढंग से चलनी चाहिए, और जो विभाग मुझे मिले हैं उन विभागों में तो कम से कम मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी।